हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो ये है मेरे सुंदर सुंदर से पौधे जिसमें बहुत ही प्यारे कलर आए हैं, और इसमें आप देखिए दो शेड आए हैं, वाइट और पिंक कलर का। बहुत प्यारे फूल निकले हैं, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यह पीछे देख रहे हैं, ये पूरा कब्रिस्तान है हमारे घर के बैक साइड में ना, पूरा कब्रिस्तान है। तो लेकिन अब आदत हो चुकी है ना रहते रहते, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए, इतने प्यारे सुंदर कलर्स आए हैं इसमें। और यहाँ पे ना मैं ये प्लांट लगा रही हूँ, इस प्लांट का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसमें मेंशन कर दूँगी। और आप ये मैंने लगा लिया है, अब इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है, तो देखते हैं कितने दिनों में ये कितना बढ़ता है। तो आगे आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। हाँ, ये देखिए इन दोनों ने क्या कराया रोहिणी। अभी आप लोगों को पता है मैं बस अंदर आ रही हूँ, अंदर ही आई थी, और इन डॉगियों ने क्या कमाल करा है, पूरा गाड़ी का कवर नीचे गिरा दिया है, और इसने तो छोटे छोटे पीस भी कर दिए हैं इसके। और उसे देखिए, वो ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ये कितने आराम से इसके ऊपर बैठा है और मुझे कितने ध्यान से देख रहा है। हाँ, मेरी शिकायत कर रही है ना। ये देखिए कितने प्यार से देख रहा है। आपको पता है भैया इनको दूध देते हैं, सब कुछ देते हैं, खाना देते हैं, उसके बाद भी से चौमू, अब तुम्हें पता लगेगा जब तुम्हारी पिटाई होगी ना। चौमू ये मुझे देख रहा है कि मेरी पिटाई करवाओ। इसने कहा था वीडियो बना ले जल्दी से। हम लोग हो गए हैं तैयार फिर से। वो उधर से आ गई। गैबी कहाँ है? रोहिणी गैबी उसमें से आ रही है। वो तो बस वहीं से आती है। देख रोहिणी, देखिए बच्चों को छूटते बस इनको लगता है झूला झूलना है। पकड़ लिया था ना हेना को। ओ
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. बेल भी चल गई, हाँ बेल आ गई इसमें। नहीं तो दोबारा लग सकता है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो बच्चा है, फायदा क्या है? इस वाले को करियो, ये वाला जो है ना। सारे अभी दिखेंगे बस। देख अभी स्वेटर है अंदर से सीधी और बाहर से उल्टी, ये इतना कंफ्यूज कर रखा है। क्या हो गया इसमें, क्या कंफ्यूजन है मैं दिखाती हूँ। ये स्वेटर है ना, इसको उल्टा स्टिच कर रखा है इन्होंने। ये चीज अंदर आनी चाहिए, ये चीज बाहर, हाँ। और ये देख, ये जब ऐसे करेंगे हाँ तो सही तो है। नहीं ये देख अब सही है ना, अब मुड़ी हुई थी ये, नहीं सच में उल्टा कर रखा था। तो ही कंफ्यूज थी रोहिणी। नहीं ये देख, ये सिलाई जो थी ना, ये हाँ, चीज हाँ। ये चीज को देख के कहा मैंने, मुझे लग रहा तू ही कंफ्यूज हो रखी थी। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बच्चे को तैयार कपड़े पहनाने जा रही। चलो भैया मेरे बच्चे के कपड़े हैं, फटाफट फटाफट से नहा धो के फिर गुम्मी गुम्मी भेजना है। मत कर, बहुत तेज हो गया भी तुम। कोई भी गलत काम होता है तो काका सिखाता है ना। मतलब बहन है मेरी बड़ी, मत ज्यादा कपड़े क्या। तो ये मैंने बनाया है सूजी का हलवा सबके लिए। जल्दी से जाती हूँ, टेस्ट करवाती हूँ। और मैंने थोड़ा सा गैबी के लिए भी रख दिया है, क्योंकि गैबू अभी गई भी है, क्योंकि वो भी एक छोटी सी गुड़िया है मेरी, उसको बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने रख दिया है। जब वो आएगी तो खा के बहुत खुश होएगी। गैबी के लिए मैंने हलवा रखा था और गैबी बिल्कुल ठीक समय पे आई है ना गैबू, है ना, आपको पसंद है ना। मम्मा ने इसीलिए पहले उठा के रख दिया था, मैंने गैबी आएगी, गैबी को भी पसंद है, तो अब आप हलवा खाओगे। ठीक है, ऐना सो के उठ गई है, जल्दी से खाओ और मुझे बताओ कैसा बना है। बहुत प्यारा बना है, बाल ऊपर करो। मम्मी चलो मम्मी अब आप भी खा के बताओ। मम्मी वो जो पहले वाले नट रखे थे ना, वो बॉक्स में बड़े वाले, वो टिफिन जिसमें एप्पल रखते थे आप पापा को देते थे, मुझे इसके अंदर रखना नहीं अच्छा लगता। ना मम्मा अच्छा बनाया, थैंक यू। तो गैबी आप बताएं कैसा बना है, कैसा लग रहा है, कैसा बना बेटा हलवा, अच्छा लग रहा है। ओफो उसको वो नहीं खाने ना, ना मैं निकाल दूँ ला, उसको नट्स नहीं खाने, ना मैं निकाल के दूँ। जाओ अच्छा दादी के पास जाओ, जाओ ये लो मम्मी, एक नंबर पे उसको भी नट्स नहीं खाने, हैना को भी नट्स नहीं खाने। तुम लोग क्या खाते हो फिर बताओ।
सोची बस। जो खाने वाली चीज़ है वो तुम्हें पसंद नहीं आती है?